अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहज़ाद, वेलकम टू अन योर वीडियो। आई होप के सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब लाइक लाजमी कर लो। तो रेडी हो चुके हैं जी भाई लिया कर जाने के लिए, तपती धूप में खुद भी जलेंगे, शावेद को भी जलाएंगे। वैसे तो गाड़ी में बैठ जाएँ तो फिर गर्मी तो नहीं लगेगी, लेकिन अभी भाई शदीद वाली गर्मी निकली हुई है। जून का महीना वंस अगेन आ गया है, ऐसे ही है। शावेद का गिरला भी साफ ले जाए वहाँ लगा के ना इसको मट्टी में खिलो। वैसे वहाँ पे मट्टी है नहीं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में मट्टी, लेकिन वो जो कच्ची मट्टी होती है ना वो वाली नहीं है। तो खैर वहाँ तो नहीं खेल सकेगा। कल हमने काफ़ी ट्राई की थी इसको ना चलाने की कि ये चले, लेकिन इसने कहा मेरा जवाब है मैं कोई नहीं चलना चलना है। ऐसे ही है, ऐसे ही था। सोच रहा है कि फिर तैयारी हो गई है, बस ट्रैवल नहीं रहता लड़का। तो शावेज जो है ना भाई रेडी हो चुका है जाने के लिए, बड़े ना मन खरा रहा है। मैं कहती हूँ मन खरा रहा है, ऐसी आंखें बंद करता है खुद। चले मिलवा लें, प्रोग्राम में रहा। हाँ तो रह जाए इधर है ना। ये शर्ट इसको बड़ी प्यारी लगती है। हाँ, शर्ट को वैसे तो कैमरे में नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत प्यारी लगती है। बालों ऊपर करके ऐसे बदमाश बना हुआ है गुंडा। बाल भी बड़े हो गए इस बार, इसके बाल भी कटिंग होगी जी, बहुत बड़े हो गए। दादाजी को भी मिलवा रहे हैं, दादाजी ना इसको वैसे इधर ही रख लें, इसकी प्रैक्टिस वगैरह करवाएं। मैं तो कहता हूँ ये हफ्ते में ना चलना शुरू हो गया ना तो फिर कहना। इसको इधर ही छोड़ दें, इसको हफ्ते बाद लाहौर खुद आ जाएगा वो देखना। भाग भाग के आ जाएगा। इसको लगती है यहाँ पे गर्मी है, छोटा नहीं। भाई भाई ये इसके जाके बाल कटवाने हैं अभी जाके। हाँ बाल भी बहुत बड़े हो गए, अब पिछले एक महीने से कह रहे हैं बाल। ये पुराने फिल्मों का हीरो लग रहा है ऐसे ना बाल, ऐसे बब्बू बब्बू बन गया बब्बू। हाँ नहीं मुश्किल ये रहे, तंग हो जाएगा। चल बाय बाय करो, बाय 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 करो, बाय 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 कर दो, जा रहे हैं हम घर। जाने बाय बाय करो, बाय बाय हो गया, बाय बाय हो गया। ये इसके ना यहाँ से बाल ऐसे हो गए जो पुरानी फिल्मों में हीरोइन होती थी ना, बाल ऐसे मोड़े होते थे ऐसे करके। बाय बाय कर दो, बाय बाय। ओ दादा को पापा को बाय बाय करो, दादाजी को बाय बाय करो, बाय 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 बाय। शावेज के गिरले का भी ना भाई आज आखिरी दिन है, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी ना गाड़ी गुजरनी है। तो निकल जा, बस इतना ही था अभी फिलहाल, इसको इधर ही रख देते हैं क्योंकि मैंने अभी खोलना है गेट। तो किधर से आ रहा है ये खाली बैग लेके स्कूल जाता है नाम बनाने। सहर लोग भी आ गए हैं जी स्कूल से, सहर का ही बस वे इंतज़ार कर रहे थे कि उसने कहा था कि मैंने शावेज को मिलना है, तो बस वो भी आ गई है तो मिल लेते हैं। तो फिर भाई लोग शावेज देख रहा है बैठ के, बाय बाय। चलें बहुत बारी है गेट भाई, बहुत बारी। छोटे बच्चे से तो वो छोटे वाला गेट खुलता ही नहीं है, इतना बारी है। रुक जाए मैं करता हूँ। बहुत गर्मी है, चुभ रही है, पसीना आ गया है। 3:30 हो गए हैं और भाई लियाकत लोग भी चले गए हैं, वो अभी गए हैं भाभी के घर यानी गए भाई लियाकत के ससुराल, उनको मिलेंगे फिर इंशाल्लाह शाम के वक्त वो वापस लाहौर के लिए निकल जाएंगे। इधर ये जो गंदम थी ये निकाल के रखी है, धूप में गर्म हो जाएगी तो इसमें से वो घुन वगैरह जो होते हैं ना छोटे छोटे होते हैं कीड़े से, वो अक्सर ना गंदम में घुस जाते हैं और ना ख़राब करने लग जाते हैं। तो धूप में रखेंगे ना तो वो ये भाग जाते हैं छाँव की तरफ निकल जाएंगे, ऐसे ही करते। फिर इसको ना पंखे के आगे बहा के इसमें से साफ़ हो जाएगी, मिट्टी वगैरह निकल जाएगी, फिर इसका बनेगा जी आटा, चक्की पे चलेगी आटा बनेगा और वो बिकेगा जी। इस तरह से चलता है प्रोसेस देहातों में। शहरों में तो भाई वो आर्टिफिशियल आटे आ रहे होते हैं फैक्ट्रियों से तैयार होकर, और अगर कोई नेचुरल वो मतलब बनाते भी हैं चक्की आटा, चक्की मशीन लगी हुई भी है ना,
तो वो जैसा भी गंदा माती है ना डाल देते हैं, गंदी साफ जैसे भी उसी काटा बना देते हैं, लेकिन यहाँ भाई प्रॉपर साफ करके बनाया जाता है। अदरवाइज लोग यहाँ तो लेते ही नहीं हैं, सबको सबके पास अपनी अपनी गंदम होती है तो वो घर से ही साफ करके लेके आते हैं। ये सामने से ना रास्ता किया हुआ है बंद, ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि मुर्गियों को निकालते हैं। इसको मैं बंद कर दूँ पहले, फिर ना भाग के मुर्गियाँ निकालते हैं ना, तो इस वजह से वो यहाँ पे दाना वगैरह चुनती हैं तो इधर भागने की कोशिश करती हैं, इस वजह से वो सामने रखा हुआ। भाई लेग्स भी इधर आया बैठा है, ये यहीं पे अभी आजकल बैठ रहा है, मुर्गियों का भी ख्याल रखता है और अगर छोड़ा तो फिर मुर्गियों को खाने के लिए भी भागता है, तो इसलिए बंद रहता है। तो कम ही निकालते हैं फिलहाल, बड़ी हो गई हैं काफ़ी। कैसे बुलाते हैं पता नहीं, कैसे बुलाते हैं ये यहाँ पर ना चावल के दाने गिरते हैं, ये चावलों वाली मशीन है तो यहाँ से खाते रहते हैं। ये बड़ी हो गई काफ़ी, जब लेके आए थे ना इतनी इतनी थी, अब काफ़ी बड़ी होंगी इंशाल्लाह महीने डेढ़ के अंदर अंदर ना ये बच्चे तो नहीं अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। बिल्ली को चेक करो कहाँ बैठी हुई, ठंडे ठंडे जगह पे साए में। हाँ तेरा नाम भी लेग्स ही रख दें, आ जाओ। इसकी आँखें ऐसी हैं ना येलो सी, चेक करो, ये रात को ऐसी चमकती है ना जैसे कोई वो कहते हैं ना कोई भूत शूत फिर रहा हो, अगर बंदा आके अंधेरे में देख ले ना इसको तो डर लग रहा है, इतनी मतलब पीली पीली सी आँखें इसकी। अच्छा अभी मैं ना टाउन जा रहा हूँ, गाड़ी भी एक तो वॉश करवानी है और दूसरा कुछ फ्रूट्स लेने थे, अम्मा ने भी कहे थे और उनकी मेडिसिन भी कुछ लेनी है, तो सोचा गाड़ी भी ले जाता हूँ। शीशा देखे कितना गंदा हो गया, सारी मिट्टी जम गई है, तो इसी बहाने दोनों काम हो जाएंगे, गाड़ी भी वॉश हो जाएगी, फ्रूट्स वगैरह भी लेके आ जाऊँगा। और मैंने लंच नहीं किया था तो मेरा दिल कर रहा था आगे मैं दही भले खा के आऊँ, तो वो भी खा के आ जाऊँगा। तीनों काम एक वो क्या कहते हैं ना एक तीर में आए, तीन काम मैंने करने हैं तो सारे काम करके ही आऊँगा। अभी अच्छा जी, तो सर्विस स्टेशन पर मैं आ गया हूँ और गाड़ी मैंने ऊपर लगा दी है, लड़के शुरू हो गए हैं वॉश करने में और कह रहे हैं तकरीबन एक घंटा लगेगा, मतलब एक घंटा मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैंने इनको कहा था कि इंजन को वॉश नहीं करना, मेरे ना बताने से पहले ही उन्होंने इंजन भी वॉश कर दिया, लास्ट टाइम की तो इंजन सीज़ हो गया था, इस बार लेट्स सी क्या होता है, अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी साथ में ये दही भल्ले वाली शॉप है वो रेडी लगी हुई है, तो जब तक गाड़ी वॉश होती है हम दही भले खा लेते हैं, दो काम हो जाएंगे फिर आगे बाजार जाएंगे, वहाँ से फ्रूट्स वगैरह खरीद लेंगे और अम्मा जी की मेडिसिन भी खरीद लूँगा। अच्छा अभी जो है ना जैक पे लगा रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिक्स कहते हैं इसको, ऊपर उठा के नीचे से अच्छी तरह से वॉश हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पर ले के आता हूँ। और ये टूटा फूटा इसी वजह से, फिर भी इस चीज़ को ना इग्नोर करता हूँ, अदरवाइज़ इससे पीछे किसी भी अच्छा सर्विस स्टेशन बना हुआ लेकिन वहाँ पर ना ये हाइड्रोलिक्स नहीं लगा हुआ, तो ये मकसद है मेरा यहाँ पर आने का। हैं जी मेरे दही भल्ले भी आ गए हैं रेडी हो गए, यहाँ से देखेंगे भी बैठ के इसको और साथ में अपने दही भल्ले भी इंजॉय करेंगे। गाड़ी वॉश हो गई थी, बस अभी जा रहा हूँ बाजार, वहाँ से खरीदते हैं फ्रूट्स, सीट बेल्ट अभी नहीं लगाया, टीटी आ रही है, इग्नोर करके फिलहाल पहुँच गया हूँ, बस यहाँ से एक मिनट की भी ड्राइव नहीं थी। और आगे पे रश लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का रश लगा हुआ है। हाँ आज मंडी लगती है, सोमवार है ना तो आज मंडी होती है, तो जल्दी जल्दी फ्रूट्स खरीदता हूँ फिर इंशाल्लाह वापस घर के लिए निकलूँगा। अच्छा जी शॉप पे मैं आ गया हूँ और अंगूर इनके पास आज भी सुंदर खानी नहीं पड़े हुए, ये दूसरे वाले हैं और ये इनका टेस्ट बहुत ही फजूल होता है, तो मैं ना केले ले लेता हूँ और सेब ले लेता हूँ और थोड़े से ना मीठे ले लेता हूँ। अच्छा जी यहाँ पर सेब की भी कैटेगरी है हमारे जो कस्टमर नहीं है, हाँ दुकानदार ये और ये 150 और इधर 100 रुपये भी कोई है, पता नहीं वो कौन सा है। 100 रुपये ऊपर है ये वाला। ये देख रहे हैं सारा रश लगा हुआ, ये मंडी का रश है। ये ले हाँ, ये फ्रूट्स हैं और टैबलेट्स जो हैं वो मिली नहीं है। अच्छा। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप वो खाएं भी ना, क्यों? क्योंकि वो मतलब ब्लड इंक्रीज करने के लिए, ब्लड लेवल इंक्रीज करने के लिए होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका लेवल तो ऑलरेडी ठीक है। हाँ जी, तो वो खाने की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ
और गाड़ी भी वॉश होके आ गई, बहुत टाइम लगा दिया। अब एक काम करना, उसके ऊपर कपड़े डालना है और वो बस लाकर को कहीं डाल दे। अब मेरी बस इंतजार करना बहुत मुश्किल है। इसमें वो मीठे है, इनको ना ठंडा करना है। खैर जी, शाम पै गई हैं तो अभी जो है ना, मैं भी मुँह धो लेता हूँ, गाड़ी का मुँह धुलवा आया हूँ। हाँ जी गाइस, तो शाम हो गई है, टाइम जो है ना बस अभी 7 बजने लगे हैं, बस 10 मिनट रह गए हैं। तो व्लॉग भी फ़िलहाल यहीं पे करते हैं ख़त्म। शावेज घर में रहा है 3 दिन ऑलमोस्ट रहा है, तो घर में हल्ला गुल्ला लगा रहता था, शोर शराबा मचा रहता था, फन मस्ती मौज मस्ती, बच्चे हों तो आपको पता है घर में रौनक लगी रहती है। तो काफ़ी इंजॉय किया, आज बस चले गए हैं फिलहाल। तो वो नानों के घर थे, अभी आई थिंक वो लाहौर के लिए निकल गए होंगे क्योंकि उन्होंने सुबह फिर जॉब पे भी जाना है। तो फिलहाल की वीडियो को भी यहीं पर करते हैं ख़त्म। आई होप सो आज की वीडियो भी आपने इन्जॉय की होगी। वीडियो पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। और बस मैं अभी वीडियो को एडिट करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, तो आप भी वीडियो को इन्जॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए peace out and Allah Hafiz.